सुनते आ रहे हैं कि भारत देश बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की की है भारत देश। क्या वाकई हमारे देश में कोई तरक्की है? क्या वाकई हमारी सोच में कोई तरक्की है? जी नहीं, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ। तो उनसे एक सवाल है मेरा कि फिर वो क्यों अपनी वाइफ के लिए नहीं डॉक्टर? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 21 साल तक अपने घरों में कोई महंगी चीजें नहीं ला, ना टीवी, ना कार, ना बाइक। क्यों? उनके पास पैसे नहीं। नहीं, वो ये सोचते हैं कि जब हमारे बेटों की शादी होगी तो वैसे ही दहेज आने वाला है, तो इन सब चीजों का क्या? और हम सोचते हैं कि हमारा भारत देश तरक्की है। मार्क जुकरबर्ग, उनकी बेटी के जन्म के दिन उन्होंने 99% शेयर्स दान कर दिए, और हमारे देश में एक बेटी का बाप उसके दहेज के पैसे इकट्ठे करते करते खुद के कपड़े पहनना भूल जाए। कैसे तहसीब है हमारे देश में कि नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट माँ को बढ़ाता है। बहन बेटियों को तो छोड़िए, कुछ लोग अपनी माँ तक को भूल जाते हैं। मदर इज ब्लेसिंग, उनका जो प्यार है वो अनकंडीशनल। तो उन लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि कभी अपने आप को अपनी माँ की जगह रख के देखना, माँ शब्द का मतलब तुरंत पता चलता है। तो इस सबसे एक ही कंक्लूजन बनता है कि आप ये सारे रीति रिवाज को छोड़कर कुछ ऐसा काम करके दिखा रहे हैं आप कि सारे माँ बाप कह सके कि ये हमारी लड़की है, हमें हमारी लड़की पर गर्व है। And I think women are foolish and they think they are equal to the men. No, women are far superior than the men and has always. So keep believing in yourself, stay strong, and for men, give respect to the women, stay humble with them. And this is small tribute from the Astro team on the auspicious day of International Women's Day.